एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पुराने जीन्स से कॉलेज बैग कैसे बनाएं। सो आप इस जीन्स को जो मेरे सामने पड़ा है, मैं उसे इस तरह से सीजर की डायरेक्शन में काट लूँगी जैसे मुझे पूरा फैब्रिक अच्छी तरह से मिल जाए। और हमें एक टेम्पलेट बनाना होगा न्यूज़पेपर की मदद से। ऐसा मेजरमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ उसकी है 38 सेंटीमीटर और विथ है 28 सेंटीमीटर। सो उसको आप हाफ में मोड़ लीजिए ऐसे, और मोड़ना हो ना मोड़ना हो वो आपकी चॉइस है। आप ऐसे खुला करके भी, फैब्रिक खुला करके भी काट सकते हैं। ऐसे काटेंगे तो आसानी रहेगी। सीजर की डायरेक्शन में काट लीजिए। एक लेग में से आपको एक पार्ट मिलेगा, दूसरे लेग में से आप दूसरा पार्ट कट करेंगे। सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हमें दो पार्ट चाहिए फॉर द बैग एज वी ऑल नो। मैंने यहाँ पे पहले से ही दो पीस काट के रखे हैं। इस लाइनिंग से कंफ्यूज मत होइएगा, दीज आर फॉर द मेजरमेंट्स। अब हमें दूसरे पीसेस काटना है फॉर द कॉलेज बैग। सो आपको ऐसी स्ट्रिप्स काटनी है। मेजरमेंट्स आपको बता देती हूँ। मेरे पास जीन्स का थोड़ा फैब्रिक कम था तो मुझे पार्ट्स में काटना पड़ा। आप पूरा अलॉन्ग काट सकते हैं, यू वुड गेट द फैब्रिक मच। सो इसका मेजरमेंट है 38 सेंटीमीटर एंड द विथ इज 11 सेंटीमीटर। नॉट इट, लेंथ इज 38 सेंटीमीटर एंड द विथ इज 11 सेंटीमीटर। हमको दो पीसेस चाहिए इस तरह की साइज के। देन हमें और भी स्ट्रिप्स चाहिए फॉर द अपर कवर और जिपर लगाने के लिए। हमें जो स्ट्रिप्स चाहिए वो कुछ ऐसी दिखेंगी। उसका मेजरमेंट मैं आपको बता दें, उनका मेजरमेंट है लेंथ 52 सेंटीमीटर, लेंथ पूरा 52 सेंटीमीटर और विथ 6 सेंटीमीटर। ऐसी आपको और दो स्ट्रिप्स काटनी है, ओके। और फिर कॉलेज बैग की डेकोरेशन के लिए पूरे पॉकेट्स को जैसे कि इधर से काटिए, थोड़ी साइज छोड़ दीजिएगा क्योंकि मशीन आसानी से उस पर बैठ जाए। पूरे के पूरे पॉकेट्स दोनों काट लीजिए। एज आई हैव शोन इन द पिक्चर, कॉलेज बैग का लुक देना पड़ेगा हमें। सो दोनों के दोनों पॉकेट्स काट लीजिए। अगर आपके जीन्स पे कोई ऐसा सिंबल हो और अच्छा हो तो उसे भी लगा सकते हैं हम। सो उसे भी अच्छी तरह से काट लीजिए, सो यू कैन स्टिच इट वेल। मैंने एक और चीज़ भी जीन्स से काटी है, जो है कि ये जिपर विच कम्स इन द जीन्स। आई शो यू वेयर इट कम्स। ये इस तरह से ये जो जिपर है वो भी मैंने काट ली है टू गिव अ लुक टू माई बैग। आपको काटना हो तो काट सकते हैं या फिर नहीं भी काट सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। आई एम टेकिंग इट फॉर द लुक। सो ये है हमारे पार्ट्स ऑफ द कॉलेज बैग एंड आई हैव ऑल्सो कट द पॉकेट्स। पॉकेट्स में, इस पॉकेट में आप सोच रहे होंगे कि क्या है। सो मैं आपको बताने ही वाली थी, जो सीमिंग होती है हमारे जीन्स में, साइड की सीमिंग, ये वाली, एज यू सी माई फिंगर रब्स ऑन, ये सीमिंग काट लीजिए। सो यू डोंट हैव टू स्टिच द बेल्ट्स फॉर द कॉलेज बैग। इट सीम्स लाइक दिस, दिस आर द बेल्ट्स फॉर अवर कॉलेज बैग एंड दिस इज फॉर द यू हैंगिंग क्लिप, लाइक इट मे सीम्स लाइक दिस। सो अब हम इस कॉलेज बैग के पार्ट्स काट चुके हैं और अब हम उसे स्टिच करेंगे। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इस हमने जो चेन के लिए कपड़ा कट किया था उसे हम ऐसे पूरी तरह स्टिच कर लेंगे। अब हमने जिप को स्टिच कर लिया है। अब जो हमने जो बड़े वाले स्ट्रिप्स कट किए थे जीन्स के दो, इसे हम इसके अलोंग ऐसे स्विंग करेंगे इस तरह से। हमने बड़े वाले जीन्स के पैचेस को इस तरह से स्टिच कर लिया है और पीछे की तरफ मैंने ये पूरा स्टिच कर दिया है यू लुक जैसा। और इस पैचेस की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक वन और टू पैच में ही हो जाएगा। मेरे पास थोड़ा जीन्स का फैब्रिक कम था तो मैंने दो पैचेस क्रिएट किए हैं, आपको नहीं करने पड़ेंगे। सो ये पूरा राउंड लूप जैसा हमारा बन चुका है। और ये हमने जो फ्रंट और बैकवर्ड पार्ट कट किए थे, अब हम उसे डेकोरेट करेंगे। सो हम फॉरवर्ड पार्ट को कुछ इस तरह से डेकोरेट करेंगे। ये दो पॉकेट हमने काटे थे, उसमें से एक पॉकेट को इस तरह से पूरा इधर सिलाई करेंगे और फिर ये चेन लगाएंगे। बाद में बैकवर्ड पार्ट को उल्टी तरफ, जैसे कि ये पॉकेट बैग के अंदर आए वैसे इस पॉकेट को हम बैक साइड की उल्टी तरफ शिव करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि आप चेन के लिए चेन की साइज़ का एक कट फ्रंट पे लीजिए और फिर चेन की साइज़ के विथ वाले दो ऐसे पैचेस कट करिए, क्योंकि हमें चेन के अंदर एक यूजेबल पॉकेट भी बनाना पड़ेगा। इसलिए फिर हम चेन की साइड को इस तरह से शिव करके फिर दोनों को अलोंग साइड करके चेन वाला पॉकेट जैसा बना देंगे। फिर हम इसको इसके अंदर से इस तरह से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। मैंने चेन वाला पॉकेट बना लिया है जो अंदर जाएगा हमारा, जो ये फ्रंट का पार्ट है हमने यहाँ कट लगाया है। और अब हम उसे उल्टी तरफ घुमाएंगे और अब हम इसे इस तरह से इस पर स्टिच कर देंगे। इसे ऐसे फोल्ड करके स्टिच करिएगा तो नीट एंड क्लीन लगेगा, ठीक है। हमने दोनों पॉकेट स्टिच कर दिया है, चेन भी स्टिच कर दिया है, चेन का पॉकेट भी बना लिया है पीछे। अब हम बेल्ट स्टिच करने वाले हैं। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को सीधा कर लीजिए। बैक पार्ट को सीधा ही हम इस तरह से कुछ इसी में इस तरह रहे, इस तरह से कुछ वन बेल्ट और इस तरह से
सेकेंड बेल्ट और ये यू हुक को स्टिच करेंगे। हमने ये बैक पे स्ट्रैप्स और यू हुक लगा दिया है। अब हम बैक को पूरा पलटेंगे, पॉकेट वाली साइड पे लाएंगे। बाद में ये यू लूप जो हमने बनाया था जिप वाला, उसको अंदर से इस तरह से दोनों को घेर करके ऐसे स्टिच कर लेंगे पूरा इस तरह। और अपर पार्ट पे फ्रंट फ्रंट दोनों का इस तरह से पूरा स्टिच कर देंगे, तो हमारा बैग रेडी हो जाएगा। तो अब हमारी बैग बन चुकी है पूरी तरह स्टिच करने के बाद। पूरी तरह बैग तैयार है विथ मल्टीपल फीचर्स। इसकी आप बैक साइड भी देख सकते हैं, दो स्ट्रैप्स और हुक के साथ। अब हमारी बैग तैयार हो चुकी है। अब इसे आप कॉलेज भी लेके जा सकते हैं या अपने साथ कहीं घूमने भी लेके जा सकते हैं। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।